So we talk about the 11th of February इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स. STSC जो अक्रॉस सिटीज़ है उसको लेकर के कुछ अभी कंट्रोवर्सी आई थी 2018 के अंदर. इसमें क्या होता है कि अगर STSC वालों को अगर आप कोई गाली दे देते हो तो उसके लिए आपको पहले इंक्वायरी करनी होगी, उसके बाद में FIR जो है दर्ज करनी होगी. तो उसको लेकर के विवाद हुआ था. सो दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसमें बहुत सारे इनोसेंट लोगों को भी धर लिया जाता है. NCRB ने बोला कि 15 से 16% केस दर्ज होते हैं, उसमें से भी 75% केस जो होते हैं वो फर्जी होते हैं, विड्रॉल कर दिए जाते हैं बाद में. तो उसको लेकर के विवाद है. नेक्स्ट है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की अपन बात करें तो आंध्र प्रदेश उसको लेकर के चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि अभी हमें दे दो. तो 15वां फाइनेंस कमीशन में भी इसी की बात नहीं हुई है. स्पेशल कैटेगरी स्टेटस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं डिफाइन नहीं है, ध्यान रखना. ये गडगिल आया था, एक गडगिल फार्मूला के तहत जो है सेंटर जो है ये फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है स्टेट गवर्नमेंट को. अब ये जब जो भी येलो येलो दिख रहे हैं ये सारे जो हैं स्पेशल स्टेटस हैं. स्पेशल स्टेटस मिलने से होता क्या है कि जितने भी आपके जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं उसमें 90% आपको फ्री पैसा मिल जाता है और 10% आपको फ्री लोन मिल जाता है. ठीक है, 90% तो फ्री है, 10% चुका देंगे. तो ये डी वार्मिंग डे वगैरह जो है ये अपने कोई काम का नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं अपन सेफली. और हेलमेट वगैरह ये सब कुछ नहीं है अपने. नेक्स्ट है CRR जो है ये इंपॉर्टेंट है, कैश रिजर्व रेशियो. इसमें क्या होता है कि अभी सरकार ने कुछ अभी नई स्कीम निकाली, वो अपने काम की नहीं है. तो CRR 4% जो है अभी चल रहा है, जो कि आपके नेट डिमांड और टाइम लाइबिलिटीज़ के ऊपर लिया जाता है. आखिरकार CRR होता क्या है, अगर आपने 1,000 रुपये जमा कराए हैं तो 40 रुपये जो है RBI के पास बैंक जमा कराता है एज ए सिक्योरिटी कि भाई कल को अगर बैंक दिवालिया हो जाए तो. तो ये एक मिनिमम अमाउंट होता है जो कि सेंट्रल बैंक यानी RBI जो है अपने पास रखता है एज ए सिक्योरिटी, जिसके ऊपर RBI कोई भी इंटरेस्ट नहीं देता है बैंक्स को. RBI इसलिए ऐसा करता है क्योंकि ये इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में भी मदद करता है और जो सिक्योरिटी होती है उसके लिए भी करता है. अगर महंगाई बढ़ गई है तो, अगर हाई इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ गई है तो CRR जो है RBI उसको बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है CRR से मार्केट में पैसा कम हो जाता है और लोग लोन नहीं लेते हैं और इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में मदद मिलती है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट चलते हैं तमिलनाडु की हम बात करें तो ये कावेरी डेल्टा जो है उसको इसने कुछ एक स्पेशल एग्रीकल्चर जोन घोषित कर दिया है. इससे क्या होगा, कावेरी डेल्टा में हो क्या रहा है अभी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाइड्रोकार्बन और इस तरह की गैस वगैरह मिथेन वगैरह पाई जाती है. अब प्रोटेस्ट ये चल रहा है कि अगर आप ऑयल को निकालोगे कावेरी डेल्टा से तो ग्राउंड वाटर कंटेनमेंट हो जाएगा, जिससे किसानों को नुकसान होगा. नेक्स्ट चलते हैं सोलर ऑर्बिटर मिशन जो है ये भी यूरोपियन एजेंसी और नासा ने इसको मिलकर के किया है ताकि हेलियोस्फीयर और सोलर की जो है उसकी स्टडी की जा सके. हेलियोस्फीयर क्या होता है, हेलियोस्फीयर जो होता है ये सूरज है, सूरज के चारों ओर एक अजीब सा प्रकाश पुंज होता है जिसको अपन हेलियोस्फीयर कहते हैं. तो ये उसके नॉर्थ और साउथ पोल की स्टडी करेगा ये वाला मिशन, तो यू शुड नो अबाउट इट. इसके अलावा इसकी मैग्नेटिक फील्ड और जो स्पेस वेदर होते हैं उसकी भी स्टडी करेगा. सो दैट्स थिंग. नेक्स्ट चलते हैं ग्लोबल कंजर्वेशन लिस्ट की बात करें तो COP 13 जो है ऑफ दी CMS का जो 13वां संस्करण है उसका अभी एक मीटिंग होने वाली है आपके गांधीनगर गुजरात के अंदर, क्योंकि इंडिया जो है प्रेसिडेंट है CMS का फॉर 3 सालों के लिए. अब जो ये CMS होती है ये UNEP के अंदर आती है, ध्यान रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और अभी एलिफेंट और इंडियन जो आपका बस्टर्ड है उस दोनों उन दोनों को ही इसके CMS के अंदर ऐड करने की बात की जा रही है. इससे क्या होगा कि एलिफेंट और जो बस्टर्ड है उन दोनों को ही फ़ायदा मिल जाएगा. इसको अपन CMS को अपन बॉर्न कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है. UNEP के अंदर ये आता है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इस CMS के अंदर टेरिस्ट्रियल इक्वेटर और इवन तीनों ही प्रकार के जानवरों को कवर किया जाता है. माइग्रेटरी यानी माइग्रेशन जो है अगर होता है तो वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, इसका ध्यान रखा जाता है इसके अंदर. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट न्यूज़. नेक्स्ट है आपका ये शाम वाली, कुछ अपने कोई काम की नहीं है. ये चिंडू चिंडू करके कोई कम्युनिटी होती है तेलंगाना के अंदर पाई जाती है, हंटिंग वॉरियर करके ये कुछ वहाँ पे डांस वगैरह करते हैं, चिंडू का डांस करते हैं व्हाटएवर. नेक्स्ट है आपका कुछ ट्रेनिंग सेंटर है गगनयान 2022 का रशिया के अंदर करेगा, क्योंकि रशिया अपनी गगनयान के अंदर मदद कर रहा है, ध्यान रखना. एयर डिफेंस ये अपने कोई काम का नहीं है. JRD टाटा को कोई पायलट का लाइसेंस मिला था पुराने ज़माने के अंदर, अपने कोई काम का नहीं है. अजय वॉरियर एक एक्सरसाइज होती है यूनाइटेड किंगडम और इंडिया के बीच में. पल्स डे जो है मनाया जाता है, अपने कोई काम का नहीं है. स्टैटिक न्यूज़ के ऊपर चलते हैं, आर्ट एंड कल्चर. रेखा पेदो और खाकरा जो होते हैं ये टेम्पल्स के आर्किटेक्चर्स होते हैं, जो कि आपको उड़ीसा में जनरली देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट चलते हैं कश्मीर की बात करें तो गांधरा जो
टेम्पल्स हैं उनसे काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ था कश्मीर के टेम्पल्स, और कारकोटा जो पीरियड था वो, और वाटर टैंक जो है वो काफ़ी देखने को मिलते हैं टेम्पल के आसपास में। कारकोटा जो है वो एक अच्छा किंगडम या अच्छे राजा हुआ करते थे जिन्होंने टेम्पल वगैरह बनाए थे। गांधरा साइड जो है वो आपके तक्षशिला, पेशावर और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के अंदर देखने को मिलती है। ऑब्वियस बात है जो कश्मीर भी इससे इफ़ेक्ट हुआ था, कश्मीर के आर्किटेक्चर भी। माउंट आबू जो है वो एक काफ़ी अच्छे सुपीरियर इंटीरियर्स के लिए या एक्सटीरियर के लिए माना जाता है। और शत्रुंजय जो हिल्स है वो भी जैन टेम्पल्स के लिए फेमस है। तो जैन टेम्पल ऑफ माउंट आबू क्रिएटेड बाय द विमल शाह शत्रुघ्न इज कठियावार गुजरात के अंदर ये हिल्स पाई जाती हैं। सो एज यू कैन सी इट्स ब्यूटीफुल डिजाइंस ऑफ द माउंट आबू टेम्पल्स। नेक्स्ट चलते हैं अपने अर्थवेद जो था उसके अंदर जो है डिफरेंट एलिमेंट्स जो है, एलिमेंट्स यानी बीमारियों के इलाज के बारे में बताया गया था। तो ये नेक्स्ट चलते हैं राष्ट्रकूट की हम बात करें तो उन्होंने नॉर्थ साउथ और नॉर्थ सब पे उन्होंने राज किया था। अमोघ वर्ष जो था वो उसका फेमस राजा था जिसने कोई कन्नड़ के अंदर किताब लिखी थी जिसका नाम है कविराज मार्ग करके, तो यू शुड नो। नेक्स्ट चलते हैं येलू पेलू डिक्लेरेशन, ये कुछ लैंग्विस्टिक माइनोरिटीज के लिए कुछ चाइना वाइना का कुछ यूनेस्को कुछ चाइना ने कुछ है, तो इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट। ओजोन जो है वो किससे होता है, ये सब तो फालतू की न्यूज़ है, नॉट इम्पोर्टेंट, सबसे होता है। नेक्स्ट चलते हैं काकोरी कॉन्स्पिरेसी 1925 के अंदर हुआ था जिसमें क्या है कि अशफाक उल्ला खान को जो है डेथ सेंटेंस दी गई थी। उसने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन जो बनाने में काफ़ी मदद की थी, गांधी जी के साथ भी काम किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर। तो काकोरी रॉबरी के अंदर जो है अशफाक उल्ला खान और राज प्रसाद बिस्मिल जो है दोनों को ही डेथ सेंटेंस दी गई थी। आर्टिकल 256 के तहत अगर स्टेट गवर्नमेंट पार्लियामेंट की बात नहीं मानती है तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। एस आर बोमई ने फेडरलिज्म की बात की थी, फेडरलिज्म क्या होता है यू शुड नो, रीड फ्रॉम द लक्ष्मीकांत और ऑनलाइन सर्च। लायन ऑफ पंजाब जो है अपन अपने रंजीत सिंह साहब को कहते हैं, ये सेक्युलर थे और उन्होंने हरबिंदर मंदिर जो था उसको गोल्डन टेम्पल में कन्वर्ट करवाया था, तो यू शुड नो। जेट स्ट्रीम की अपन बात करें तो ये नैरो होती हैं, स्ट्रांग होती हैं, ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती हैं और पृथ्वी भी इसी तरह से घूमती है। दीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट जेट जेट स्ट्रीम्स होती हैं उनको पोलर जेट स्ट्रीम्स भी कहते हैं। ये कुछ गेलेशी रे अपने को काम करनी है, इसके फ्लिक स्किप कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो इंडिया के अंदर जो माइग्रेटरी है वो कौन सी कंट्री में जाते हैं, वो UAE के अंदर जाते हैं। एज यू कैन सी इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर बट जस्ट यू नो। अजय वॉरियर अपन ने पढ़ी लिया, एक एक्सरसाइज होती है। 13वां संस्करण जो है CMS का वो अपने गुजरात के अंदर होने वाला है और इसका मस्कट जो है वो इस बार ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ध्यान रखना। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और IUCN के अकॉर्डिंग क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो। नेक्स्ट चलते हैं, स्टेट और सेंटर के बीच में अगर डिस्प्यूट होता है तो सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में आता है, ये IAS में पूछा गया क्वेश्चन है। लाइटेस्ट मेटल कौन सा है, दैट्स लिथियम। नेक्स्ट चलते हैं, पंगोलिन इंडिया में पाया जाता है, बिल्कुल पंगोलिन इंडिया में पाया जाता है। जो इंडियन पंगोलिन है वो एंडेंजर्ड है, जो चाइनीज पंगोलिन है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, कल पढ़ा था अपन ने। सो दिस इज आवर न्यूज़ फिनिश, थैंक यू।